उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी शुरू हो गई है। हम इतनी सर्दी से ही परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सर्दी कब जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की उस जगह के बारे में जहां तापमान -50 के आसपास भी चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये बात सच है तब ऐसे में वहां के लोग भला कैसे रहते होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया की सबसे ठंडी जगह के बारे में जहां आंसू भी जम जाते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रूस का ओम्याकोन कस्बा दुनिया का सबसे ठंडा रिहायशी इलाका है। रूस के साइबेरिया में स्थित ओम्याकोन को अंटार्कटिका के बाहर दुनिया के सबसे ठंडी जगह माना जाता है। यहाँ औसतन तापमान -50 डिग्री के आसपास रहता है। सर्दियों में यहाँ पलकों पर बर्फ भी जम जाती है। लोग गाड़ियों को 24 घंटे ऑन रखते हैं। यहाँ तक कि इस इलाके में कसरत करने की भी मनाही है क्योंकि इतनी ठंड में पसीना बहाना मौत ला सकता है। साइबेरिया में याकुत्या इलाके के पास बसे इस गांव में आखिरी बार कुल 500 लोगों की आबादी दर्ज की गई थी। सर्दियों में 21 घंटे से भी ज्यादा समय तक रात जैसे गहरे अंधेरे में डूबा ओम्याकोन हमेशा से दुनिया के लिए आकर्षण और रहस्य का केंद्र बना रहा। इतने ठंडे हिस्से में लोग आखिर कैसे रहते होंगे? क्या वो भी हमारी तरह ही प्यार और गुस्सा करते होंगे या ठंड में इमोशंस भी जम जाती हैं? इस तरह की बातों को समझने के लिए कई बार रिसर्चर्स की टीम वहां गई लेकिन बेनतीजा वापस लौट आई। आपको बता दें ओम्याकोन का रूसी मतलब है वो पानी जो कभी जमे नहीं, लेकिन नाम से उलट यहाँ गर्मी के मौसम में भी पानी जमा रहता है। साल 1924 में इस जगह का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आपको बता दें साल 1920 के आसपास रेंडियर चराने वालों का एक झुंड गर्म पानी के सोते की तलाश में घूमते हुए यहाँ पहुंच गया था और फिर यहीं बस गया। गर्मियों में यहाँ का तापमान -10 डिग्री या इससे भी कम रहता है जबकि सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। ये वो समय है जब आप हीटर वाले घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी पलकें भी जम जाएंगी। यहाँ तक कि ठंड के कारण आंखों से निकलने वाले आंसू भी जम जाते हैं। कड़ाके की सर्दियों का सामना करने के लिए बच्चों को यहाँ के तापमान के हिसाब से काफी सख्त बनाया जाता है। आपको बता दें यहाँ -50 डिग्री के तापमान में भी बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। हालांकि जब तापमान में ज्यादा गिरावट होने लगती है तब स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ दिसंबर के महीने में सूरज करीब 10 बजे उगता है। ऐसे में ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। आलम ये रहता है कि गाड़ियों की बैटरी बर्फ में ना जमे इस वजह से 24 घंटे गाड़ियों को स्टार्ट करके रखना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर घर और हर दुकान में सेंट्रल हीटिंग सिस्टम मौजूद है जो 24 घंटे चलता रहता है। सर्दियों के समय में इस गांव में कोई भी फसल नहीं उगती। लोग ज्यादातर अलग अलग तरह के मांस खाकर जिंदा रहते हैं। यहाँ रेंडियर और घोड़े के मांस के अलावा लोग स्ट्रेगुनीना मछली का भी खूब सेवन करते हैं। आपको बता दें यहाँ के लोग वो सारी चीजें खाते हैं जो गर्मी देकर जिंदा रहने में उनकी मदद कर सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।